गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर फाइन. बेटा, हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इसमें हमने पढ़ा था बेटा, व्हाट आर डेजर्ट्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब हम पढ़ रहे थे कि डेजर्ट्स में लोगों का जो रहन सहन है, वो जीवन है, वो कैसा है, लाइफ इन द रीजन. ठीक है बेटा, हमने पढ़ा था इसमें कि जो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि न होकर पशुपालन है, वो कैमल, गोट्स और शिप को चराने के लिए जाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं. बंजाराज, जो बंजारे होते हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं किसके लिए, लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए और या फिर दूसरी वस्तुएं प्रदान करने के लिए. ठीक है, और यहाँ का जो कल्चर है वो वेरी रिच है, यानी कि जो कलरफुल कल्चर है यहाँ का, बहुत ही रंगीन. ठीक है, और यहाँ पर जो कैमल होते हैं, जिसकी सवारी भी की जाती है, उसको यहाँ का उसका रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे. डू यू नो वाटर इज़ वेरी प्रेशियस इन राजस्थान. पानी जो है राजस्थान में बहुत ही कीमती है, यानी कि वहाँ क्योंकि बहुत कम पानी मिलता है, इसलिए पानी बहुत ही कीमती है. वुमेन सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल दे वॉक टू फॉर अवे वाटर सोर्सेज टू फैच वाटर. जो यहाँ की औरतें हैं वो गाना गाती हैं, संगीत गाती हैं, जब वो क्या कर रही होती हैं, पानी को लेने के लिए जाती हैं. जहाँ से पानी उपलब्ध उन्हें होता है, वहाँ से जब लेने जाती हैं, तो रास्ते में जब वो वॉक करती हैं तो साथ साथ गाना भी गाती हैं. दिस इज़ नोन एज पनिहारी म्यूज़िक. और जो वो गीत गाती हैं, जौन सा गीत गाती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, पनिहारी के नाम से. ठीक है, नेक्स्ट. मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज. ज़्यादातर घरों में, जो डेजर्ट में जो घर होते हैं बेटा, यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं, वो उनकी जो छतें होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं एंड स्मॉल विंडोज. और जो वहाँ की खिड़कियाँ होती हैं उन घरों की, वो कैसी होती हैं, बहुत ही छोटी. द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल. यहाँ की जो दीवारें होती हैं, इन घरों की दीवारें, वो बहुत ही मोटी बनाई जाती हैं, ताकि गर्मी जो है वो अंदर प्रवेश ना कर सके और घर जो है वो ठंडा रह सके. सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर. कुछ घरों में क्या होता है, अंडरग्राउंड यानी कि धरती के अंदर टैंक बनाए जाते हैं, जिसके अंदर वो पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ही कम मिलता है, तो एमरजेंसी में तो वो स्टोर करके रखते हैं वाटर को. द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोग वेयर ब्राइट कलरफुल क्लोथ. कैसे कपड़े डालते हैं, बहुत ही चमकीले कलरफुल क्लोथ डालते हैं. द मैन वेयर धोती कुर्ता. आदमी जो है, यानी कि जो यहाँ के पुरुष हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं एंड कलरफुल टर्बन, और सिर पर एक पगड़ी बांधते हैं जो कि रंगीन होती है. द वुमेन वेयर घाघरा चोली विद एन ओढ़नी टू कवर द हेड. और जो यहाँ की महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या डालती हैं, घाघरा चोली डालती हैं और सिर को ढकने के लिए ओढ़नी यानी कि दुपट्टा ओढ़ती हैं. तीज, गंगोर, होली, दिवाली एंड दशहरा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल. यहाँ के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो कौन से हैं, तीज, गंगोर, होली, दिवाली और दशहरा यहाँ पर मुख्य रूप से सेलिब्रेट किए जाते हैं. जयपुर द कैपिटल सिटी. जो ये जयपुर है वो क्या है, कैपिटल सिटी है. अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर आर द मेन सिटीज़. और जो यहाँ के मुख्य शहर हैं वो कौन कौन से हैं, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर. कुछ बच्चे आप में से जब घूमने भी गए होंगे राजस्थान, तो आप लोगों ने, किसी ने इन सभी शहरों में से कहीं घूमने के लिए भी गए होंगे, तो सुना ही होगा आपने नाम कि राजस्थान के ये फेमस शहर हैं. माउंट आबू इज ए फेमस हिल स्टेशन इन राजस्थान. राजस्थान का जो फेमस हिल स्टेशन है वो कौन सा है, माउंट आबू. रणथंबोर, भरतपुर एंड सरिस्का आर फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप हियर. यहाँ पर राजस्थान में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य. अभ्यारण्य यानी कि जहाँ पर पशु जो हैं वो घूमते हैं, वनों में अपने खुलेआम घूमते हैं. इसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पर ताकि जो पशु हैं वो संरक्षित, उनका संरक्षण किया जा सके, उनका बचाव किया जा सके.
ठीक है, तो ऐसे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर, रणथंभौर, भरतपुर और सरिस्का, ठीक है बेटा। इसमें हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न डेजर्ट इज़ ए लार्ज, वेस्टर्न डेजर्ट जो है वो बहुत बड़ा है, ड्राई रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही ड्राई है। कहाँ है ये? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। द लैंड इन द थार डेजर्ट इज़ सैंडी एंड रॉकी, और जो यहाँ की धरती है थार डेजर्ट की वो कैसी है? मिट्टी वाली और रेत वाली। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज़ नॉट हैविली पॉपुलेटेड, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन, और जो यहाँ के मुख्य घर हैं आमतौर पर वो कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ वाले और छोटी विंडो वाले। और जो यहाँ की फेमस सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर यहाँ के मुख्य शहर हैं, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे अच्छे से दोबारा से पूरा लेसन रीड करेंगे, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।